हेलो गाइस, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? आज हमें मौका मिला है रेडिंग जाने का, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी रेडिंग की सैर करा दूं। यहाँ से हम ट्रेन स्टेशन जाएंगे। एक तरफ ट्रेन स्टेशन है और दूसरी तरफ बस स्टेशन है। और यहाँ का टेस्को, कभी टाइम मिला तो टेस्को की वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये भी बस मिड रेंज जो है वो स्टोर है, इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी चीप है बाकी स्टोर से। ये हम पहुंच गए स्टेशन पे, ट्रेन आएगी पेडिंगटन से और पेडिंगटन से होती हुई हम आगे जाएंगे। ये छोटा सा स्टेशन है, ये ट्रेन फॉर रेडिंग। He was working there. This is the train to Reading. I think 2 days after AWAN, he's been really sick ever since. Next station, Berkshire. God knows. I've spoken. Almost 20 minutes or 30 minutes to ride. Yeah, just out. Couple in the bed. Traffic and roadworks.
Next station, Taplow. See the one in the new car park made there? Mind the gap between the train and the platform. Remember at the back of the station. The woman did it. Yeah. But that, I thought it was all disabled up there. You know, for these people. They must have done the car park with the game. ये रेडिंग शेयर स्टार्ट हो गया मैं एक दो बार पहले विजिट किया था रेडिंग लेकिन तब मैं वीडियो नहीं बना सका था वो पास हमें रेडिंग कॉलेज नजर आ रहा है इस वीडियो में इतनी नजर आ रहा हूँ काफी अच्छा शहर है ये ये लंदन के साथ ही लगता है और इधर रेडिंग यूनिवर्सिटी भी है काफी हमारी आवाम जो है वो रेडिंग यूनिवर्सिटी में Reading, where this train terminates. For the safety and convenience of passengers with heavy luggage, please use the lifts provided. Please have your tickets ready for the automatic ticket barriers. Yeah, welcome to Reading. If you see something that doesn't look right, speak to staff or text British Transport Police on 61016. We'll sort it. See it, say it, sorted. Yeah, we're trying to look. काफी बड़ा स्टेशन है यहाँ से लंदन के लिए डायरेक्ट भी जाती है तो जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं या फिर वो लंदन जाना चाह रहे हैं तो काफी ज्यादा जो है वो
होती है, ट्रेन की जो होती है ना फैसिलिटी होती है। Wrong door, I think. Yeah, you can go to Swindon with those tickets. Okay. So, उसने निकलना नहीं था ये मेरे पास है। वैसे हम लंदन जाते हैं तो वहाँ पर दो ही होते हैं, लेकिन इस दफा तीन थे। यहाँ से इत्रो के लिए बसेस भी जाती हैं वहाँ से। ये रेडिंग का टाउन सेंटर है, इतना बिजी नहीं है जिस तरह लंदन होता है। लंदन तो काफ़ी बिजी होता है। सो कॉफ़ी शॉप्स, अब तो मुझे लगी है भूख, मैं अब ढूंढ रहा हूँ कोई हलाल फूड के लिए।
just ask that pattern again. You're 4th Street there. वैसे पूरे यूके में जो है ना एक ही तरह का थीम है, कॉफी शॉप्स हो गए, टाउन सेंटर्स हो गए, सिमिलरिटीज है, आपको इतना फर्क नहीं महसूस। अगर आपने रेडिंग देख लिया, लंदन भी इसी तरह के, रेडिंग थोड़ा खुला खुला है, लंदन जो है वो कंजेस्टेड है। इटालियन फूड आ गए, टॉर्टिला जो मुस्लिम हैं उनको बेहतर जानते हैं। समटाइम्स आप स्टक हो जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको हलाल फूड नहीं मिलता। अच्छा टाउन सेंटर है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे इकट्ठी। जॉन लिविस बैंक वगैरह भी हैं, स्ट्रीट्स हैं कुछ उस तरफ।
Friday का Friday evening start हो जाएंगे तो तो हो सकता है कि तब busy हो जाए. स्पोर्ट्स डायरेक्ट सामने है और जेडी माय फेवरेट यहाँ पे. हमें सामने ये भी अच्छी शॉप है शूज की. फुट साल है फुट लॉक का रोल है. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है यहाँ तक एंड है.
आखिरकार अपने केएफसी ही काम आया। सैम्स रैप। ये एक शॉर्ट सा टूर था रेडिंग का, तो अभी हम चल रहे हैं वापस। ये सामने फिर से स्टेशन आ गया, अभी यहाँ से मैं बैठूंगा ट्रेन पे और अपने स्टेशन तक। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।